हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, इसमें जो दिया गया है उसकी एक आकृति है और उससे संबंधित कुछ बातें बताई गई हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जो दे रखा है उसी को लिखेंगे। हमें इसके उत्तर के लिए सबसे पहले हमने लिखा दिया क्या है। हमें दिया हुआ है एक आकृति और उस आकृति के अंदर दिया है POQ एक रेखा है। ये एक सीधी लाइन दी गई है, यानी हम इस पे रैखिक युग्म जैसी कोई प्रॉपर्टी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। उसके साथ ही OR रेखा P के ऊपर लंब है। जो PQ है और जो OR है, ये आपस में लंब दे रखी हैं। अब बाकी किरणें दी हुई हैं। उसके साथ ही हमें इसमें सिद्ध क्या करना है, हमें इसमें सिद्ध करना है कि जो ROS कोण है वो आधा है QOS और POS का। ये बात हमें सिद्ध करनी है। तो हमने इसके हल में लिया जो हमें चाहिए। हम सवाल को शुरू कहाँ से करें, जो हमें चाहिए हम उसको आधार मानकर चलते हैं। हमें देखिए यहाँ पे QOS की ज़रूरत है, POS की ज़रूरत है और दोनों का अंतर हमें चेक करना है। तो हम यहाँ आकृति के हिसाब से सबसे पहले यही करेंगे कि जो QOS है वो है किसके बराबर। ये जो QOS है, यहाँ पर देखिए QOS, ये इतना कोण यहाँ से यहाँ तक, क्यू से शुरू है, O पर रुके और S की तरफ मुड़ गए, तो ये जो इतना कोण है ये कोण हमारा QOS है। अब ये कोण जैसा आप देख पा रहे हैं, एक तो इसके अंदर ये हिस्सा है और एक इसके अंदर ये हिस्सा है, ये दो हिस्से मिला करके ये कोण बना हुआ है। तो हम इन दोनों का नाम लिखते हैं। इसका नाम क्या है, QOR, QOR, और ये क्या है, ROS। इन दो कोणों को मिला करके कोण QOS जो है वो हमारा बनता है। हमने ये लिख दिया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए POS। अब यहाँ देखिए ये जो टुकड़ा बन रहा है ये POS है, POS, तो ये वाला जो टुकड़ा है ये POS है। अब हमें ये लिखना है, इसको भी हमें किसकी मदद से लिखना है, ROS की। दूसरी तरफ ROS है तो हमने पहले वाला भी ROS की मदद से लिखा, ये भी ROS की मदद से लिखते हैं। तो हमने लिखा कि जो कोण POS है वो दरअसल क्या है, कोण POR में से यदि ROS घटा दिया जाए, अगर इतने कोण में से ये वाला टुकड़ा आप घटा देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये नीचे वाला हिस्सा बन गया जो कि POS है। ये हो गए हमारे पास दो समीकरण, ये हमने आकृति के आधार पर लिख दिए हैं। अब हमें इनका क्या चाहिए है, इनका अंतर चाहिए है। अंतर चाहिए है तो हमने इन दोनों समीकरण को घटा दिया, समीकरण एक और दो, इन्हें आपस में घटा दिया। इनको घटाने से क्या हुआ, QOS माइनस में POS, तो यहाँ से QOR ROS इसमें से माइनस करना है POR और ROS को। अब ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो अंदर वाले निशान बदल जाते हैं, ये आप सबको मालूम है। POR हो गया माइनस का और ROS जो है वो हो गया प्लस का। अब देखिए ROS आया है दो बार, तो हमने इसको लिखा दो बार ROS। उसके साथ ही जो QOR है और POR है इसके बीच में माइनस का निशान है, ये जो माइनस हो रहे हैं ये आपस में ज़ीरो बन रहे हैं। उसका क्या कारण है, जब हमें कहा कि PQOR परपेंडिकुलर हैं, ये लंब हमें जो दे रखा था, अगर ये लंब होंगे तो 90 डिग्री होंगे, इसका मतलब जो POR है और जो QOR है ये दोनों ही 90 डिग्री थे। अब दोनों बराबर चीज़ें घटेंगी तो वो ज़ीरो ही देंगी, तो इसका मतलब जो डबल ROS का है यहाँ पर वो रह जाता है, QOS और POS का अंतर डबल के बराबर है। अगर हमें ये डबल नहीं चाहिए, दोनों तरफ हम दो से भाग कर दें, तो हमारे पास ये आ जाता है कि QOS और POS आपस में घटाए जाएं तो ROS के बराबर है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या जैसे जिस रूप में हमसे पूछा गया है, इनको आपस में इंटरचेंज करके लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट करके भी हम इसको लिख सकते हैं कि ये आपस में बराबर है। यही बात हमें इसके अंदर सिद्ध करनी है।